हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कावा, कश्मीरी कावा जिसे बोलते हैं। तो कावा घर पे ही कैसे बनाएं, तो शुरू करते हैं कावा। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में कावा पीने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और ठंड लगने का खतरा भी कम रहता है, तो इसे घर ही पे तैयार करते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए लिए मैंने ये 2 से 3 डंडी लिए मैंने ये दालचीनी, जो सभी के घर में मिल जाती है, और 4 लिए मैंने लौंग, 4 लिए मैंने हरी इलायची, ये भी सभी के पास मिल जाती है, और ये लिए मैंने ग्रीन टी, और मीठे के लिए लिया मैंने हनी। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं, और ये कुछ कली लिए मैंने केसर की। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कावा बनाना। तो कावा बनाने के लिए हमने लिया ये एक बर्तन, इसमें लेते हैं हम पानी। तो पानी हम लेंगे ये वाले, इतना मुझे कावा चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये लिया 3 गिलास पानी, क्योंकि हमें 2 लोगों के लिए बनाना है तो हमें 3 गिलास पानी लेना है। अब 3 गिलास पानी हमें क्यों लेना है, क्योंकि 1 गिलास पानी हमें इसमें जला लेना है, जिससे कावा का असर, सब चीज का असर इसमें आ जाए, जो भी हम इसमें मसाला लेंगे। अब इसे रखते हैं हम गैस पे गर्म होने। तो पानी को हमने रख दिया गैस पे, अब इसमें आने देते हैं हमें एक उबाल। एक उबाल आने के बाद में फिर हम इसमें कावा बनाना शुरू करेंगे। तो पानी में उबाल आ चुका है, तो हमने जो ली थी दालचीनी, इसको हम इस तरीके से टुकड़े करके इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे किसी चीज से हल्का सा कूट भी सकते हैं, ये इसमें डाल देते हैं। अब लेते हैं अपनी लौंग, ये ली थी मैंने 4 लौंग, वो भी हम इसमें डाल देते हैं, और ये इलायची, तो इलायची को हम खोल के डालते हैं, जैसे इसका असर पूरा इस पानी में आ जाए। तो इस तरीके से हम इसे खोल देंगे। इलायची हमने इसमें डाल दी है, अब इसे हम अच्छे से ढक के उबालेंगे। ढक के इसलिए उबालेंगे कि इसकी जो खुशबू और इसका जो कलर है वो इसी में पानी में आ जाए। अब इस पानी को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे को उघाड़ के देख लेते हैं। देखिए, इसमें दालचीनी का, इलायची का और लौंग का कलर आ चुका है। अब इसमें डालते हैं हम ग्रीन टी इसमें हम डाल देंगे। इसमें केसर भी हम डाल देते हैं। इसे अच्छे से उबाल लेते हैं, जिसमें ग्रीन टी का टेस्ट और कलर इसमें आ जाए। उसके बाद हम इसमें शहद डालेंगे। अगर आपको चीनी इस्तेमाल करनी है तो चीनी भी आप ग्रीन टी डालने के बाद डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शहद इस्तेमाल कर रही हूँ, तो शहद हमें ये नीचे उतारने के बाद शहद इस्तेमाल करना है। अब ये पूरी तरह से उबल चुका है, हमने इसमें 3 कप पानी रखा था, 1 कप पानी इसमें जल चुका है और सारा दालचीनी, इलायची, लौंग सबका असर पानी में आ चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसमें डालते हैं हम हनी, क्योंकि हमने चीनी नहीं डाली, तो इसमें डालते हैं हम 2 कप पानी है तो 2 चम्मच इसमें डालेंगे हम हनी। हनी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये गर्म रहता है। हमने शहद इसमें डाल दिया है और ये शहद भी इसमें घुल चुका है। शहद सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, तो आप शहद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कावा सर्दियों में ही पिया जाता है, ये गर्मियों में नहीं पिया जाता। तो अब ये तैयार है, अब इसे हम सर्व करते हैं। तो मैंने ये 2 लोगों के लिए बनाया था, तो मैंने 2 लोगों के लिए सर्व किया। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाए तो क्वांटिटी बढ़ा लें। तो तैयार है हमारा कावा,
आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।